कितनी देर लगती है 4 किलोमीटर आने में? 1 घंटे से ऑर्डर कर रखा है। वो मैडम बाहर बारिश हो रही थी तो रुकने का इंतजार कर रहा था बस। बारिश हो रही थी इसलिए तो ऑनलाइन ऑर्डर किया, वरना हम खुद ना ले आते जाकर। और तुम भी बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे तो हमारा ऑनलाइन ऑर्डर करने का क्या फायदा? सॉरी मैडम। 25 हो गई मेरी केक का वेट करते करते, कुछ कवर वगैरह करके ले आते। कन्नू रहने दो यार, जाने दो, कोई बात नहीं, छोड़। सारा बर्थडे खराब कर दिया मेरी बच्ची का। तो आपके 520 रुपए हो गए मैडम। एक बार इस पे साइन कर दीजिए। एक मिनट यार, कहाँ रह गए तुम? कब से वेट कर रही है तुम्हारा? पापा आप कब आओगे? आप सुबह से गए हुए हो। बेटा बस थोड़ा सा काम रह गया मेरा, अभी आता हूँ। पापा आज ही आपको काम है, आज तो मेरा बर्थडे है, आप तुम्हारा ही बनने वाले हैं। आज मेरा एक हफ्ते बाद बर्थडे भी खत्म हो जाएगा। अभी आ रहा हूँ, तुम मम्मी को फोन दो जरा। वीडियो कॉल सेट आवे अब बिनू यार, मुझे ना 2 घंटे और लग जाएंगे। 4-5 पार्सल और है मेरे पास, वो बारिश आ गई थी इसलिए रुकना पड़ गया था। तू ना तू एक काम कर, तू तो सोने मत दियो, मैं ना रोका बैठे हूँ। हाँ हम आके बात करता हूँ, ठीक है? वो मैडम साइन कर। थोड़ा ज्यादा नहीं बोल दिया? बस आई तो सो गई, अब बीच में रख दो एक केक, जलाएंगे तो रोएगी। फिर क्यों हेलो क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं, एक बार वापस आओ, आपसे कुछ काम है। अच्छा ठीक है, आता हूँ। हाँ जी मैडम, क्या हुआ? क्या नाम है तुम्हारी बेटी का? गीता। गीता नाम है उसका। लेकिन हुआ क्या? ये केक और ये छोटा सा गिफ्ट ले जाओ और हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे बोलो। हमारी माई तो सो गई है, तो कल इसके पापा इसके लिए गिफ्ट और केक लेते हैं, तुम्हें ले जाओ। लेकिन मैडम, और हाँ सॉरी उस बात के लिए, मैंने तुम्हें जो भी बोला, मैं ना थोड़ी जज्बाती हूँ अपनी बच्ची के लिए, पर बुरी नहीं हूँ। पर तुम अपनी बच्ची का बर्थडे छोड़कर इस टाइम क्यों काम कर रहे हो? इतनी भी क्या मजबूरी? मैडम मजबूरियाँ नहीं है, जिम्मेदारियाँ, इसलिए करना। और आपको तो पता ही है दिल्ली के स्कूल की फीस से लेके घरों के किराए सब कुछ कितना बढ़ चुका है, इसलिए एक्स्ट्रा करना। लेकिन मैडम इसकी क्या जरूरत थी? अब तुम्हारी बेटी तो सोच रही होगी ना कि पापा गिफ्ट लेकर आएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि इस टाइम तुम्हें कुछ मिलेगा, तो तुम ले जाओगे। शुक्रिया मैडम, जाओ जल्दी भाई, अपनी बेटी को भी सुलाना है।